मोर्चा यूनियन के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर एडीएम बिल्डिंग का घेराव किया गया। बेरमो के बोकारो थर्मल डीवीसी एडीएम बिल्डिंग का घेराव संयुक्त मोर्चा यूनियन के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर किया गया। घेराव कर रहे आंदोलनकारी का कहना था कि वर्षों से लंबित एरियर का भुगतान करने एग्रेसिया एंस्टे जो डीवीसी कर्मचारी का देने की बात हुई है वो सप्लाई मजदूरों को भी मिले। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज सैकड़ों की संख्या में सिविल व प्लांट की पुरुष व महिला कर्मी ने ईडीएम बिल्डिंग का घेराव किया। बोकारो से जुड़े हर खबर के लिए बने रहें बोकारो रिपोर्ट्स के साथ। क्या मांग है डीवीसी की जो न्यू ईडीएम बिल्डिंग है वहां पर तमाम सप्लाई मजदूर आज उपस्थित हुए हैं। हमारी मुख्य मांग है कि जो बरसों से लंबित हमारा एरियर है उसका भुगतान किया जाए। हम जो इंसेंटिव डीवीसी कर्मचारी के लिए अनाउंस हुआ है वह इंसेंटिव सप्लाई मजदूरों को भी मिले। जो अभी तक एक्सग्रेसिया का भुगतान नहीं हुआ अनाउंस नहीं हुआ डीवीसी प्रबंधन सप्लाई मजदूरों के लिए एक्सग्रेसिया का अनाउंस करे साथ और उसके लिए संयुक्त मोर्चा के साथ वार्ता करे। ग्रेजुटी के संबंध में जो सप्लाई मजदूर अभी तक मृत हुए हैं या जो रिटायर किए हैं कानून सम्मत उनको ग्रेचुटी का भुगतान होना चाहिए। और हम लोग इस विषय पर कई दौर की वार्ता डीवीसी प्रबंधन से कर चुके हैं। स्थानीय स्तर पर मुख्य अभियंता और परियोजना प्रधान के साथ कई दौर की वार्ता हुई है लेकिन हर दौर की वार्ता बार बार असफल होती है और मजदूरों को निराश होना पड़ता है। इसीलिए आज 10 दिन के बाद दुर्गा पूजा जिसका बड़ा त्यौहार आने वाला है और हमें समय पर पैसा नहीं दिया जा रहा है और हमें क्या बोलते हैं आपको एक्सग्रेसिया अनाउंस नहीं हुआ है इसलिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और जब तक हमारा डीवीसी प्रबंधन से संतोषजनक वार्ता नहीं होती है तब तक हम यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे। धन्यवाद। कितने मजदूरों का? 540 सप्लाई मजदूरों का पिछले एक साल से दिसंबर से लेकर इस दिसंबर तक का एरियर बकाया है। एक साल हो गया वार्ता करते करते लेकिन अभी तक उनका एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने हम 1 बजे सो गए, सोने के बाद में हम 3:30 बजे खोले दरवाज़ा निकलने के लिए बाहर, तो दरवाज़ा बाहर से लगा हुआ था नहीं खोल पाए। उसके बाद पका करके छत पर चढ़े, छत पर चढ़ने के बाद में आकर के हम बैठ गए। फिर लास्ट में हमको नॉलेज में आया कि चाबी तो फालतू है ग्रिल का है क्या, फिर दरवाज़ा खोल के तब हम निकले। बगल वाला जो है ना उन लोगों को कूदते हुए देखा है। क्या नाम है बगल वाले के? बगल वाले क्या नाम है? नाम भी बता दे। वो नहीं रहते हैं तो हम सोते हैं, जैसे हम तो छोड़ के चल जाते हैं, फिर हमें सो जाना हम जा रहे हैं थोड़ा काम हम करते हैं। नहीं यहाँ काम हम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं रखे हैं, रखे नहीं हैं। प्रेम से जो है कि मैंने जैसे नहीं है तो बोले कि नमस्ते नहीं, मेरा डेरा में सो जाना हम बाहर जा रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रमेश है। नाम क्या है? रमेश यादव।